हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ व्हाट इज एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव को? विशेषण बोलते हैं। यानी कि एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी विशेषण। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण किसे कहते हैं, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विशेषण यानी कि एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि कितने तरह के होते हैं। तो पहले हम लोग को जानना है कि विशेषण का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। देखिए, एडजेक्टिव वर्ड को हम लोग तोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या निकलता है। एडजेक्टिव यानी कि ए डबल डी, एड मतलब क्या होता है, जोड़ना जोड़ना। और एक्टिव मतलब क्या होता है, एक्टिव मतलब होता है सक्रिय सक्रिय यानी कि जागरूक होना, यानी कि जागरूक रहना। और विशेषण का मतलब होता है विशेषता, विशेषण का मतलब होता है विशेष विशेषता। आप देखिए इसको समझिए, एड मतलब क्या होता है, जोड़ना। ए डबल डी, एड मतलब क्या होता है, जोड़ना। और एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय यानी कि जागरूक होना। तो एड मतलब हम लोग जोड़ेंगे, सक्रिय यानी कि जागरूक। जागरूक कौन होगा, व्यक्ति हो, कोई इंसान जागरूक होगा तो उसको जोड़ेंगे किसके साथ, किसी व्यक्ति के साथ जोड़ेंगे सक्रिय यानी कि जागरूक। तो व्यक्ति क्या होगा, जागरूकता होगा यानी कि उसके अंदर जागरूकता आएगा। और विशेषण का मतलब होता है क्या, विशेषता यानी कि उसके अंदर क्या है, जागरूकता यानी कि सक्रिय होने का विशेषता। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो मैं क्या हूँ, टीचर। तो मेरा विशेषता क्या है, टीचर यानी कि मैं सक्रिय हूँ पढ़ाने के, यानी कि मेरे अंदर जागरूकता है। और विशेषण का मतलब होता है विशेषता, तो मेरा खास क्या है, मेरा विशेषता क्या है, पढ़ाने का विशेषता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ जाओगे इसके टॉपिक को, पढ़ाने सम पढ़ा पढ़ा बताऊंगा उसमें समझ जाओगे। ठीक है, इसको मैं बता दे मिटा देता हूँ, आप लोग समझ गए कि विशेषता, विशेषण का मतलब विशेषता होता है, और एड का मतलब होता है जोड़ना, और एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय यानी जागरूक होना। तो देखिए एडजेक्टिव का रूल क्या कहता है, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या कहता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यानी कि विशेषण यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए उपयोग होता है। क्या होता है, क्वालिफाई, उसके वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए उपयोग होता है। यानी कि देखिए हिंदी में समझिए, यानी कि अथवा दूसरे शब्दों में समझिए, एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। यानी एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं किस कहते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। क्या बताए, विशेषता बताइए। यानी कि क्या है, नाउन है, थिंग मतलब होता है पदार्थ, क्या है, नाउन है। तो क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो इस पेन का विशेषता क्या है, कलम है। तो इसका विशेषता क्या है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, बी गुड बेड ब्यूटीफुल, ये सब क्या है, विशेषता है, क्या एडजेक्टिव वर्ड है। गुड मतलब होता है अच्छा, बिग मतलब होता है बड़ा, ब्यूटीफुल मतलब होता है अच्छा। तो ये सब क्या है, विशेषता यानी कि एडजेक्टिव का शब्द है। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए, इट इज ए गुड फेन, इट इज ए गुड फेन, ये फेन है तो क्या है, इट इज ए गुड फेन, या पेन क्या है, अच्छा, यानी कि इट इज ए गुड फेन, तो पेन क्या है, अच्छा। तो इसका विशेषता क्या है, अच्छा होना। इस पेन का विशेषता क्या है, गुड यानी कि अच्छा, यानी कि अच्छा होना है। तो इसका पेन क्या है, अच्छा, यानी कि लिखने में अच्छा लगता है, मार्कर है जो लिखने में अच्छा लग रहा है। तो क्या है इसका विशेषता क्या, कि लिखने में अच्छा लगता है, तो इसका विशेषता क्या है कि पेन अच्छा है। दूसरा, सी सी इज ए ब्यूटीफुल, सी मतलब होता है वाह यानी कि लड़की। तो वह लड़की जो है, जो व्यक्ति है वो क्या है, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर है। तो उस लड़की का विशेषता क्या है, वो लड़की का विशेषता उसका है सो क्या है, सुंदर होना यानी कि खूबसूरत होना, स्मार्ट होना यानी कि ब्यूटीफुल होना। तो इसका विशेषता है कि सुंदर होना। मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। तो मेरा विशेषता क्या है, मैं एक टीचर हूँ यानी कि आई एम ए टीचर। तो मेरा विशेषता क्या है, टीचर, मेरा ही विशेषता। तो एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। यानी कि पेन है, समझो इस पेन, समझ जाओ कि ये पेन है, तो इसका विशेषता क्या है, अच्छा, यानी कि इस पेन से लिखने में अच्छा लगता है। इसका खास कारण क्या आ गया, विशेषता इसका क्या, अच्छा होना। इसका विशेषता क्या, अच्छा होना। ठीक है, अब हम लोग चलिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि किड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स, किड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यानी कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के। पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक यानी गुणवाचक विशेषण।
दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि क्वालिटी, परिमाण वाचक विशेषण, परिमाण यानी परिणाम जो उसका होता है, क्वालिटी जो होता है। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी नंबर मतलब संख्या, संख्यावाचक विशेषण। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेत करने वाला विशेषण। पांचवा है पोसेसिव एडजेक्टिव्स यानी कि संबंध बनाने वाला विशेषण। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वैशिष्टवाचक विशेषण। सातवां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी कि स्पर्श करने वाला, यानी कि स्पर्श करने वाला विशेषण। आठवां है प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण करने वाला। और नौवां जो इम्फेजिंग एडजेक्टिव्स यानी कि प्रबल बोधक विशेषण। और जो नौवां है यानी दसवां है जो लास्ट है एक्सक्लामेटरी विशेषण यानी कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स यानी कि विस्मयादि बोधक। अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।